बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे और साथ ही में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्री होती क्या है? एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ते क्या हो? देखो, जब आप बाहर निकलते होगे तो आप अपने आसपास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते होगे, ठीक है? उन सब ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है वो अलग अलग होती है, ठीक है? कुछ की शेप जो है रेक्टेंगुलर होती है, कुछ की शेप स्क्वायर होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की शेप जो है लगभग लगभग अलग अलग होती है, ठीक है? तो ज्योमेट्री के अंदर हम यही पढ़ते हैं, हम अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उन शेप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लाइंस पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं, ठीक है? अलग अलग शेपों के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो ये सब हम इन ज्योमेट्री के अंदर सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका पॉइंट, ठीक है? पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट बेसिकली एक डॉट होता है, ठीक है? जैसे ये एक डॉट डाल दिया मैंने, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है? एक यहाँ पे डाल दिया, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है? एक मैंने यहाँ डाल दिया, इसको नाम दे दिया सी। तो पॉइंट एक बेसिकली एक डॉट होता है, ठीक है? और ये जो है डॉट, ये आपका लोकेशन को डिटरमाइन करता है। इसको डिटरमाइन करता है, लोकेशन को बताता है, ठीक है? इस पॉइंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, इस पॉइंट को नाम दिया सी। ऐसे ही आप एक पेपर के ऊपर हजारों करोड़ों लाखों पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है? इन्फिनिटी पॉइंट्स बना सकते हो आप एक पेपर के ऊपर। तो अब आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट सपोज ये मेरा है ए पॉइंट, ठीक है? और ये मेरा है बी पॉइंट, ठीक है? अब इस ए और बी को जोड़ने वाली इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट बोलूंगा। ये वो लाइन होती है जो कि दो पॉइंट को जोड़ती है और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जोड़ती है, मतलब कम से कम डिस्टेंस में जोड़ती है। ए और बी का मिनिमम डिस्टेंस कितना है? लेट सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, तो ए और बी को ये 6 सेंटीमीटर में जोड़ रही है, ठीक है? अब एक ऐसा भी हो सकता था, यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लो ये सेम बी पॉइंट है और इसको मैं जोड़ रहा हूँ इस तरीके से। अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये ए और बी को जोड़ तो रही है लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं जोड़ रही। अगर आप इसको स्केल से मेजर करोगे तो इसका लेंथ आएगा लगभग 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है नहीं, ठीक है? अब दूसरी बात, लाइन सेगमेंट के अंदर जो दो पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है? आप इस पॉइंट को, इस बी पॉइंट को यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा सकते, मतलब और आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही इस ए पॉइंट को यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा सकते। लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों पॉइंट क्या होते हैं? बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ठीक है? ये बात हो गई। अब उसके बाद लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे कि ये ए बी की लाइन सेगमेंट है, तो मैं इसको ए बी लिखूंगा और ऊपर ऐसे डाल दूंगा, ठीक है? ये क्या है? लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, ठीक है? ये क्या शो करता है कि ए से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुई और बी पे लाइन सेगमेंट खत्म हुई, ठीक है? तो लाइन सेगमेंट को आपको इस तरीके से डिनोट करना है, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे एक्स होता और यहाँ पे वाई होता तो आप इसको कैसे शो करते? एक्स वाई, ठीक है? तो अब हम करते हैं अगला टॉपिक, लाइन। तो लाइन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड टू इनडेफिनेटली इज कॉल्ड लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट को दोनों पॉइंट से, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी एक्सटेंड कर दे, यानी कि आगे बढ़ा दे, ठीक है, तो हम उसे फिर लाइन बोलेंगे, फिर उसे हम लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे कि ये हमारा है, ये एक ए पॉइंट हो गया, ये एक बी पॉइंट हो गया, ठीक है? लेकिन ये ए पॉइंट फिक्स नहीं है और ऐसे ही ये बी पॉइंट भी फिक्स नहीं है। मैं इस बी पॉइंट को जितना मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसे ए पॉइंट को भी जितना मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकता हूँ। लाइन सेगमेंट में क्या था कि दोनों पॉइंट फिक्स थे, ठीक है? दोनों पॉइंट फिक्स थे और उनके बीच जो है डिस्टेंस एक ही रहेगा, ठीक है? जैसे 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन लाइन के अंदर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होंगे। आप इस पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने
इतना आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे ही इस बी पॉइंट को भी मैंने इतना आगे बढ़ा दिया, और भी मैं चाहे तो और आगे तक बढ़ा सकता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट जो है लाइन के अंदर कभी फिक्स नहीं होते, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स होंगे और लाइन में कभी भी दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, लाइन सेगमेंट को तो हम ऐसे डिनोट करते थे ए बी, ठीक है। अब लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, तो लाइन को डिनोट करने के लिए भी आपको सेम करना है, ए बी, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुई ए से और बी पे खत्म हुई ऐसे, लेकिन यहाँ पे आपको लगा देना दोनों तरफ एरो, ठीक है। एरो क्या शो कर रहे हैं कि ए पॉइंट फिक्स नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे बी पॉइंट भी फिक्स नहीं है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये है लाइन का डिनोशन सिंबल, ठीक है, और ये था लाइन सेगमेंट का डिनोशन सिंबल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना रे। तो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो अब रे क्या होती है, रे एक ऐसी लाइन होती है जो कि स्टार्ट तो होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ये फिक्स पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है और फिर ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट हुआ भी तो फिर आप उसको बढ़ा भी सकते हो आगे, ठीक है, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये पॉइंट मान लिया इसका बी पॉइंट और फिर इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, फिर मैंने इसको मान इसको हटा के इसको मान लिया बी पॉइंट, फिर आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट तो इसका फिक्स होता है, ठीक है, ये ए पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन इसका जो बी पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, वो आप जितना मर्जी चाहे उतना आगे इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में क्या था, दोनों पॉइंट फिक्स थे, लाइन में क्या होगा, दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होंगे, और रे में क्या होगा, एक पॉइंट तो बिल्कुल फिक्स होगा और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये एंडलेसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। अब रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रे को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, जैसे ये ए बी है तो ए बी को रिप्रेजेंट करूंगा, इसको हटा दो, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ए से तो फिक्स्ड पॉइंट है ये आपका और यहां से स्टार्ट हुई, और बी पे ये इसका दूसरा पॉइंट है और ये इसका फिक्स नहीं है, ये आगे जितना मर्जी बढ़ सकता है, तो ये हमारा हो गया रे का रिप्रेजेंटेशन। अगर ए बी मेरी लाइन होती तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता, और अगर ए बी मेरी लाइन सेगमेंट है तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो रे को लाइन को और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आपने देख लिया। अब मैं पॉइंट का, लाइन सेगमेंट का, लाइन का, रे का, इन सब के आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ। तो ये है हमारे कुछ पॉइंट के एग्जाम्पल्स। आप एक नेडल लोगे और नेडल का जो ये पॉइंटेड एंड होगा, ठीक है, ये एक आपको पॉइंट प्रोवाइड करके देगा, जैसे कि एक ये पेंसिल है, ठीक है। अगर आप पेंसिल को पेपर के ऊपर बिल्कुल ऐसे रखते हो और एकदम से पेंसिल को पेपर से टच करते हो, जैसे कि इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ, ठीक है, पेंसिल ने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करा, ठीक है। तो पेंसिल की टिप जो है ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ये कंपास हो गया, कंपास में जो पेंसिल लगी हुई है उसकी टिप पॉइंट हो गया, पेंसिल कंपास की निडल ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप एक थ्रेड लो और थ्रेड को अच्छे से अपने हाथों से खींच दो, ठीक है, इस तरीके से खींचना कि उसके बीच में थ्रेड में कोई स्लैक ना रहे, यानी कि जो थ्रेड है कहीं से ढीला ना हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक लाइन सेगमेंट बना के देगा, ठीक है। ये क्योंकि आपने हाथ से पकड़ रखा है तो ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपने एक हाथ से पकड़ रखा है तो इसको ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो ये क्या है, आपका लाइन सेगमेंट है। ऐसे ही ये बॉक्स देखो, बॉक्स की ये जो एजेस हैं ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया, ट्यूबलाइट ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। ये एक पोस्ट कार्ड दे रखा है, इसकी जो एज है ये पूरी की पूरी फिक्स्ड है, ये एक लाइन सेगमेंट है। आप इसमें देख लो इन सब में क्या कॉमन मिला, ये जो दोनों पॉइंट है एंड के वो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब रे क्या है, रे का देखो ये जैसे कि टॉर्च है, तो टॉर्च में से लाइट निकली, तो टॉर्च का ये जो पॉइंट है ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ से लाइट निकली है, ठीक है, ये बिल्कुल हो गया फिक्स। उसके बाद जो टॉर्च से ये लाइट निकली ये ऐसी चलती चली जाएगी, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारी एक रे हो गई। ऐसी सन हो गया, तो सन का ये जो है ये सन से लाइट निकली, सन एक हो गया फिक्स पॉइंट जहाँ से लाइट निकली, और उसके बाद ये धीरे धीरे करके जो है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर जाती है, सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ के ऊपर आती है, फिर उसके बाद मार्स पे जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलती रहती है, ठीक है,
ये सन की लाइट रुकती नहीं है, इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रे। ऐसे ही एक लाइट हाउस हो गया, जहाँ से लाइट, यहाँ से लाइट निकली तो ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट, और ऐसे ही यहाँ से लाइट निकलती चली जाएगी, ठीक है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, रे हो गया। तो ये हमारा लाइन का एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप ये देख सकते हो, ये रोड है, ठीक है, इसके यहाँ पे एक येलो कलर की ये लाइन है, ठीक है, तो ये जो है इसका ना ये वाला पॉइंट फिक्स है, ना ये वाला पॉइंट फिक्स है, ठीक है, इसके दोनों पॉइंट फिक्स नहीं है। जहाँ पे ये रोड खत्म हो रही है, ठीक है, वहां से आप और आगे रोड बना सकते हो, जितनी मर्जी आप ये आगे रोड बना सकते हो, और उतनी मर्जी आप आगे और येलो कलर की लाइन खींचते जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये कभी भी फिक्स नहीं है, इसके दोनों पॉइंट जो है फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, लाइन बोला। अब इसके बाद लाइंस की दो कैटेगरी और आती है, एक कैटेगरी है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी कैटेगरी है हमारी पैरेलल लाइंस। अब देखते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है। इफ टू लाइंस हैव अ वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं अगर वो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाली लाइन है हमारी L2, ये वाली लाइन है हमारी L1, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस P पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलूंगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, और ये जो कट कर रही हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर रही हैं। इन दोनों के बीच जो कॉमन पॉइंट है वो सिर्फ एक ही है, वो है P, ठीक है। तो अगर ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हैं और कट करने के बाद सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट बना रही है, तो उन लाइंस को मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलूंगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे ये लाइंस है, इसका मतलब ये दोनों लाइन को मैं जितना मर्जी एक्सटेंड करना चाहूँ मैं उतना कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका और एग्जांपल, जैसे कि ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, ये बुक या कॉपी कुछ भी ले लो आप, ठीक है, बुक की एक एज ये हो गई, दूसरी एज ये हो गई, ठीक है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ठीक है, दोनों देखो इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही कॉमन पॉइंट आया है इसका, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई। उसके बाद ये एक्स, इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक्स आपका अल्फाबेट है, ठीक है, तो इसमें देखो ये एक्स में जो दोनों लाइन्स है वो इस कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ऐसे ही क्रॉसिंग रोड्स, देखो ये रोड नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये रोड नंबर 2 हो गई, तो ये देखो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, जो कि ये, ठीक है, मेन पॉइंट ये, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो अब आता है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती, यानी कि कभी भी मिलती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, इस तरीके की लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को मिलेगी नहीं, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि आपका है ये स्केल, स्केल की एक एज ये हो गई, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया AB, ठीक है, एक एज ये हो गई जिसको नाम दे दिया मैंने CD, ठीक है। अब ये जो AB एज है और ये जो CD एज है, आप इसको देखो ये कभी भी मिलेंगी नहीं, आप इसको चाहे आगे भी बढ़ा दोगे ना तब भी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कभी करेंगी, कभी भी मिलेंगी नहीं। इनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों एजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मान लो ये क्रॉस बार्स हैं विंडो के, ठीक है, तो मान लो इन दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर का गैप है, इन दोनों लाइन्स के बीच भी 10 सेंटीमीटर, इन दोनों लाइन्स के बीच भी 10 सेंटीमीटर, इनके बीच भी और इनके बीच भी। तो अगर आप यहाँ देखोगे विंडो के एक साइड पे, तो हर एक लाइन के बीच 10 सेंटीमीटर का गैप होगा। ऐसे ही अगर आप विंडो के दूसरे एंड पे देखोगे, तो यहाँ पर भी जो दोनों लाइंस के बीच का गैप है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, ये गैप जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो रेलवे ट्रैक देखा ही होगा, तो रेलवे ट्रैक की जो दोनों लाइंस होती हैं ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होती है, यानी कि ये हमेशा एक ही डिस्टेंस पे रहती हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मान लो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो आप चाहे यहाँ पर देखो चाहे आप 100 किलोमीटर बाद देखना, ठीक है, 100 किलोमीटर बाद भी इसी रेलवे ट्रैक का जो गैप होगा वो 1.5 मीटर ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज हो गया तो क्या रेलवे जो है, ट्रेन जो है पटरी से उतर सकती है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेन होती है उसके पहियों के बीच का जो गैप होता है वो तो फिक्स्ड ही होता है, इसलिए ये जो गैप होता है दोनों रेलवे लाइन का हमेशा सेम होता है, ठीक है, ये कभी भी मिल नहीं सकती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इन जैसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फिगर टू नेम। आपको इस फिगर का यूज करके इनके नाम देने हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इस फिगर के अंदर आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है? 5 पॉइंट्स तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट, ठीक है? उसके बाद हो गया ये ओ पॉइंट, ठीक है? उसके बाद हो गया ये सी पॉइंट, उसके बाद ये ई पॉइंट और फिर डी पॉइंट। तो ये आपके जो है 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है? अब बी पार्ट कहता है आपको एक लाइन बतानी है, ठीक है? लाइन जिसके दोनों पॉइंट जो है फिक्स नहीं होते, आप उसको जितना मर्जी चाहे आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये डी पॉइंट है, ठीक है? डी पॉइंट से ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है? अगर फिक्स होता तो यहाँ पे एंड में ये डॉट होता, ठीक है? यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो ये डी से स्टार्ट होके बी तक देखो आप, बी पे भी ये आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये लाइन हो गई डीवी, ठीक है? डी से स्टार्ट हुई, बी पे खत्म हुई, और डी और बी भी ये दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है, इससे आगे भी ये आगे बढ़ सकती है, ठीक है? उसके बाद आपको 4 रेज बतानी है। 4 रेज का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट तो उसका फिक्स रखना है और दूसरा पॉइंट उसका फिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये आप इजी बता सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ओ पॉइंट है, तो ओ से बी, ठीक है? तो ओ से मान लो ये रे देखो स्टार्ट हुई यहाँ से और ये ऐसे चलती जा रही है यहाँ पे, ठीक है? ओ बी आपका हो गया, ठीक है? आप इसको अगर ऐसे देखो तो ओ से स्टार्ट हुई और ऐसे ये बी पे चलती जाती है, ठीक है? ऐसे ही आप देखो यहाँ पे ओ से स्टार्ट हुई और ऐसे सी की ओर बढ़ती जा रही है, तो अगली क्या हुई? ओ सी, ठीक है? ऐसे ही अगर आप देखो तो ओ से स्टार्ट हुई और ई पर भी खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ ई, ठीक है? और ऐसे ही हम देख सकते हैं 4th रे ओ से स्टार्ट हुई और डी पे खत्म नहीं हो रही, डी से भी आगे बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे हो गया ओ डी, ठीक है? तो ये हमारी हो गई 4 रेज, ओके? अब हमें बताना है डी पार्ट में 5 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है? लाइन सेगमेंट जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं आपके, है ना? तो सबसे पहली लाइन सेगमेंट हो गई आपकी ओ बी, ठीक है? देखो ये ओ पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट फिक्स है, ये बी पॉइंट फिक्स है इस लाइन को, ठीक है? इस लाइन को, ये जो ओ बी है ये आपकी लाइन, इसे मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट, ठीक है? अब ये कहोगे आप रे के अंदर भी था। देखो रे के अंदर हम क्या देते हैं, ये ओ पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से बी तक गया और बी से भी आगे बढ़ गया, तो रे के अंदर हमने इस ओ से यहाँ तक, इस ओ से इस एरो तक लिया, ठीक है? ये हमारी रे हो गई। लेकिन लाइन सेगमेंट में हम सिर्फ इस ओ फिक्स पॉइंट से इस बी फिक्स पॉइंट तक ले रहे हैं, इसके बीच की ये लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है? इसी तरीके से लाइन सेगमेंट ओ सी हमारा इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, इसके बीच की ये जो लाइन है ना आपकी, ये इसको मैं बोलूंगा ओ सी, ठीक है? ठीक है। और रे जो है, ये जो रे है ओ सी, ये कहाँ से कहता है? यहाँ से, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये रे के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से आपकी ये ओ ई हो गई, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट। इसी तरीके से ये ओ डी हो गई, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। और लास्ट ये ई डी एक आपकी लाइन सेगमेंट हो गई, ये जो ई डी है ना, ये एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। लाइन सेगमेंट में आपको ध्यान रखना है 2 फिक्स पॉइंट के बीच की जो लाइन होगी उसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है? तो ये आपके 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है? तो ये आपको एक लाइन दे रखी है जिसके ऊपर 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी। तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए आपको 12 तरीकों से, मतलब 12 तरीकों से आपको लाइन बनानी है, ठीक है? और हर एक लाइन में आप सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे 12 लाइन्स सिर्फ इस फिगर को देखते हुए? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए से, ठीक है? तो एक लाइन ए से बी तक गई, ठीक है, एक लाइन ए से बी तक गई, लेकिन ए भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है, बी भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है। देखो ए से भी पीछे जा रही है, बी से आगे जा रही है, ठीक है? इसी तरीके से एक लाइन ए से सी तक जा रही है, ठीक है,
ए से भी पीछे जा रही है, सी से भी आगे जा रही है, ए और सी दोनों ही फिक्स पॉइंट नहीं है, तो ए सी एक लाइन हो गई, ऐसी एक लाइन हो गई आपकी ए डी। ठीक है, सेम ए भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, और डी भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है, इससे आगे जा रही है लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारे तीन लाइन बन गई। ठीक है, अब अगला ए पॉइंट क्या सारा बन गया, अब मैं बी पॉइंट को लेता हूँ। ठीक है, बी पॉइंट लिया तो मैंने यहाँ पे बनाई बी ए। ठीक है, बी से निकली ए तक गई, ए से भी आगे बढ़ गई। ठीक है, बी भी आपका एक फिक्स पॉइंट नहीं है क्योंकि बी से पीछे भी जा रही है लाइन, ऐसे ही ए भी आपका फिक्स पॉइंट नहीं है, ए से आगे जा रही है लाइन। ठीक है, तो बी ए लाइन हो गई। सिमिलरली आपकी हो गई लाइन बी सी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी हो गई पी डी लाइन। ठीक है, यहां से हमने तीन लाइंस बना ली। अब अगला तरीका क्या है, आपने बी पॉइंट भी ए बी पॉइंट पूरा यूज कर लिया, बी बी पॉइंट पूरा यूज कर लिया, अब आप यूज करोगे सी पॉइंट। तो मैंने बनाया ऐसे सी ए। ठीक है, फिर क्या बनाया, सी बी बनाया, और फिर क्या बनाया, एंड में सी डी लाइन बनाई। देखो इन तीनों में आप नोटिस करोगे ना पॉइंट सी फिक्स है, ना ए बी सी, ए बी डी कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, लाइन जो है सी से पीछे जा रही है और यहाँ से इन पॉइंट से आगे भी जा रही है। ठीक है, तो ये तीन लाइनें बन गई। इसी तरीके से लास्ट आप बना सकते हो डी ए, डी बी, ठीक है, और डी सी। ठीक है, तो मैंने हर एक लाइन में दो दो पॉइंट यूज करे। ठीक है, और इन चार पॉइंट की मदद से मैंने टोटल इन सबको ऐड करोगे तो 12 लाइंस बना ली। ठीक है, हर एक पॉइंट का यूज करा, ए पॉइंट से तीन लाइनें बनाई, बी पॉइंट से तीन लाइनें बनाई, सी पॉइंट से तीन लाइनें बनाई, डी पॉइंट से तीन लाइनें बनाई, सबको ऐड करके देखोगे तो आपकी 12 लाइंस बन गई है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर के यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो ऐसी लाइन बताओ जिसके अंदर ई पॉइंट है। देखो ये ई पॉइंट है, तो ये हो गया आपका ए ई लाइन। ठीक है, तो ए ई लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट आपका आ रहा है। देखो ये वाली लाइन जो है आपकी, ये वो लाइन है जिसके अंदर ई पॉइंट आपका आ रहा है। ठीक है, तो ए ई लाइन हो गई। लाइन पासिंग थ्रू ए, अब एक ऐसी लाइन बतानी है जिसके अंदर ए पॉइंट से पास हो रही है, मतलब एक ऐसी लाइन जो ए पॉइंट से पास हो रही है, तो वो यही आ जाएगा ए ई लाइन। ठीक है, ए ई लाइन, ये ए ई लाइन जो है ऐसी लाइन है जो कि ए पॉइंट से पास हो रही है। अगला है लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन बतानी है जिसके अंदर ओ आ रहा है, तो ये एक लाइन हो गई। ठीक है, ये जो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ओ है। ठीक है, ये जो ओ पॉइंट है इस लाइन के अंदर नहीं आ रहा, इस लाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो गई सी ओ। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर सी ओ पॉइंट आ रहा है। अब अगला बताना है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी लाइन जो कि इंटरसेक्ट हो रही है उनके दो पेयर बताने हैं आपको। तो सबसे पहले हो गया आपके पास ये ए ई लाइन। ठीक है, ये ए ई लाइन और ये सी ओ लाइन, तो ए ई, ठीक है, एंड सी ओ। ठीक है, तो ए ई लाइन और सी ओ लाइन, ये एक पेयर हो गया जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा पेयर क्या हो गया, ये ए ई लाइन, ठीक है, और ये एफ ई लाइन। ठीक है, इसको ठीक है, तो ये दो पेयर हो गए हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो इसका आंसर है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास हो सकती है, जैसे कि आप इस फिगर के अंदर से देख सकते हो, ये आपका एक पॉइंट है और इस पॉइंट से देखो कितनी सारी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, आप एक पॉइंट से अनगिनत लाइंस पास कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि टू गिवन पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हो, तो मान लो ये पॉइंट है आपका एक, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे आपका बी पॉइंट, तो दो पॉइंट से सिर्फ आप एक ही लाइन पास करा सकते हो। ठीक है, तो
इसका आंसर आ जाएगा ओनली वन। ठीक है, आप दो गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, उससे ज्यादा पास नहीं हो सकती। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको इसमें फिगर्स बनानी है। सबसे पहला है पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। देखो ए बी ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ठीक है। तो ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देता हूँ बी पॉइंट। तो ये ए बी मेरी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है, दोनों के फिक्स पॉइंट है और इसके अंदर एक पी पॉइंट आ रहा है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा पी पॉइंट। तो ये एक ए बी लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब बी पार्ट है इसका, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो एक एक्स वाई लाइन है और एक पी क्यू लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एम पे। तो ये मेरी एक एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक एक्स वाई लाइन हो गई, ठीक है। ये मैंने एक पी मान लिया, ये मैंने क्यू मान लिया, तो ये एक पी क्यू लाइन हो गई। तो ये एक्स वाई लाइन और पी क्यू लाइन ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको मैंने मान लिया एम, ठीक है। तो ये इसकी फिगर हो गई। अब है हमारा सी पार्ट, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो मान लो ये लाइन है एक एल, इसके अंदर ई और एफ तो पॉइंट आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ई पॉइंट और ये हो गया हमारा एफ पॉइंट। तो इस लाइन एल के अंदर ई और एफ पॉइंट तो आ रहे हैं लेकिन डी पॉइंट नहीं आ रहा। तो डी पॉइंट हम कहाँ बनाएंगे, बाहर बनाएंगे इस लाइन से, ठीक है। तो देखो ये लाइन है जिसमें ई और एफ पॉइंट तो आ रहे हैं लेकिन ये डी पॉइंट नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये इसकी फिगर बनेगी। और डी पार्ट है लास्ट, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। एक लाइन है आपकी ओपी, ठीक है, तो ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया पी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। और एक है ओ क्यू, ये हो गया ओ और ये हो गया आपका क्यू पॉइंट। तो देखो ये ओ क्यू लाइन है, ये ओ पी लाइन है और दोनों की दोनों लाइन जो है ये मीट कर रही है, मतलब मिल रही है कहाँ पे, ओ पॉइंट पे। तो ये इसकी फिगर बनेगी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ द लाइन एम एन। ये एक लाइन दे रखी है और इस फिगर को आपको देखते हुए इन सारी स्टेटमेंट्स को देखना है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्यू एम ओ एन पी आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या एम एन लाइन मतलब यहां से यहां तक इस पूरी लाइन के ऊपर, ठीक है, क्यू एम ओ एन पी पॉइंट आ रही हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। अब ट्रू कैसे है, आप कहोगे कि ये क्यू पॉइंट और पी पॉइंट तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन को आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप इसका नाम क्यू पी भी दे सकते हो, ठीक है, आप इसका नाम एम एन भी दे सकते हो, ठीक है, आप इसका नाम ओ पी भी दे सकते हो, तो इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो इस पूरी लाइन के ऊपर आप देख सकते हो कि क्यू एम ओ एन पी सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। बी पार्ट है इसका, एम ओ एन आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। क्या अब लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट मतलब सिर्फ यहां से यहां तक, ठीक है, सिर्फ यहां से यहां तक क्या एम ओ एन ये पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है, आ रहे हैं। उसके बाद पूछ रहा है सी पार्ट में, एम एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम और एन लाइन सेगमेंट में एम और एन इसके एंड पॉइंट्स होंगे, तो इसका भी आंसर है ट्रू, ठीक है। अगर आप इस लाइन सेगमेंट की बात करो तो लाइन सेगमेंट क्या होती है कि दोनों पॉइंटों पे वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप एम एन की बात करो यहां से यहां तक, तो ये देखो ये एन पे खत्म हो जाएगी लाइन सेगमेंट और एम पे खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसको रे बोलता या फिर इसको लाइन बोलता तब ये फॉल्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि रे में एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन दूसरा नहीं होता और लाइन में दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट है, ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। क्या ओ और एन जो है एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ओपी के। तो ओपी का है यहां से यहां तक, ठीक है, आप देख सकते हो ये आपकी ओपी है, मतलब ये ओ पॉइंट फिक्स है और पी पॉइंट फिक्स है। तो आप देख सकते हो ओ पॉइंट तो सही है लेकिन एंड पॉइंट गलत आ रहा है, ठीक है, तो क्योंकि ये एक एंड तो इसका ओ है दूसरा एंड इसका पी है, तो ये आपका फाल्स हो गया, ठीक है।
उसके बाद एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अगर आप क्यू ओ को देखो, मतलब यहां से यहां तक ये वाली लाइन बस, ठीक है, क्यू ओ, तो क्यू ओ में क्या एम जो है आपका एंड पॉइंट है? तो इसका भी आंसर है फॉल्स। क्यू ओ लाइन सेगमेंट में एम जो है आपका एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट आपका क्यू और ओ है, ठीक है। उसके बाद एफ पॉइंट है आपका, एम इज द पॉइंट ऑन रे ओ पी। अगर आप ओ पी रे की बात करो, ठीक है, ओ से लेकर पी रे तक, मतलब यहां से ये स्टार्ट हुई, ठीक है, ओ से तो ये स्टार्ट हुई है और पी तक जा रही है और उससे भी आगे जा रही है, तो क्या ओ पी रे के अंदर एम पॉइंट आ रहा है? तो एम पॉइंट तो आ ही नहीं रहा, एम पॉइंट तो यहाँ आ रहा है, तो इसका भी आंसर आ गया फॉल्स। तो अब जी पार्ट है, रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। क्या जो रे ओ पी है वो क्यू पी से डिफरेंट है? तो ध्यान से देखो, ओ पी रे कौन सी है? जो ये ओ से स्टार्ट हुई और पी की तरफ जा रही है, ठीक है। रे क्यू पी क्या है? जो क्यू से स्टार्ट हुई और ये भी पी की तरफ जा रही है। दोनों ही रेज जो है पी की तरफ जा रही है, लेकिन ओ पी रे स्टार्ट हुई है ओ से और क्यू पी रे जो स्टार्ट हुई है क्यू से, तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है और दोनों ही रेज की जो लेंथ है वो भी अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, ओ पी रे क्यू पी रे से डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम। क्या जो ओ पी रे है वो ओ एम रे से बिल्कुल सेम है? तो देखो, ओ पी रे कौन सी है? तो ओ पी रे तो ये है, ठीक है, ये है आपकी ओ पी रे, और ओ एम रे कौन सी है? ये वाली रे है, ठीक है। ओ पी और ओ एम दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, ओ पॉइंट, लेकिन दोनों एक दूसरे सेम नहीं है। एक रे पी की तरफ जा रही है, दूसरी रे एम की तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अब अगला आई पार्ट है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। क्या जी ये ओ एम रे है वो क्या ओ पी के अपोजिट नहीं है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप देख सकते हो कि जो ओ एम रे है, जो ओ से स्टार्ट हुई और एम की तरफ जा रही है, और जो ओ पी रे है जो कि ओ से स्टार्ट हुई और पी की तरफ जा रही है, ठीक है, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरीके से अपोजिट है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। उसके बाद जे पार्ट है, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी रे। क्या ये जो ओ पी रे है, ये वाली जो रे है आपकी, ठीक है, ये जो ओ पी रे है आपकी, इस ओ पी रे में ओ से लेकर पी तक जो ये रे जा रही है, क्या ओ आपका इनिशियल पॉइंट नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ओ इसमें इनिशियल पॉइंट है और ओ से निकल के ये पी तक जा रही है, तो ये भी आपका आएगा फॉल्स, ठीक है। और लास्ट है के पॉइंट, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। क्या एन पी रे, ये जो हमारी एन पी रे है, ठीक है, ये वाली एन पी रे और ये जो एन एम रे है, ये वाली, ठीक है, एन से निकली पी की तरफ गई और एक एन से निकली जो एम की तरफ गई, ठीक है, ये दोनों रेज के अंदर एन के आपका इनिशियल पॉइंट है, तो ये इसका सही ट्रू है। एन जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एन पी रे के अंदर भी और एन एम रे के अंदर भी। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपके मन में कोई डाउट ना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही सिक्स क्लास की और मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।